नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। जैसा कि अभी अभी आपका 4 और 5 तारीख में ASI के एग्ज़ाम आपके पूरे हुए हैं और काफ़ी बच्चों के एग्ज़ाम जो हैं अच्छे हुए हैं, और सभी ने कहा सर क्या अब इसके आगे क्या होगा, कट ऑफ क्या होगा, पहले टाइपिंग होगी या DV होगा, अनेक से क्वेश्चन उठ रहे हैं बच्चों के मन में। बोल रहे हैं कि सर क्या सभी के अलग अलग जितने भी ग्रुप हैं, चाहे वो गोपनीय हो, चाहे लेखा हो, चाहे लिपिक हो, जो आपके पोस्ट हैं, क्या सभी के कट ऑफ अलग अलग बनेंगे, उसके बाद हमें टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, या ये सिंगल आपकी लिस्ट आएगी उसके बेसिस पे आपको टाइपिंग या DV के लिए बुलाया जाएगा। तो मैं सिर्फ आज यहाँ टाइपिंग के आपको जानकारी देने आया हूँ कि क्या अब स्टेप आपके बचे हैं, किस स्टेप पे आपको अब गुजरना है। ठीक है, कट ऑफ की बात पूर्ण रूप से हम तब करेंगे जब आपका रिस्पॉन्स की आ जाएगा, जब संशोधित रिस्पॉन्स की, चाहे आपके पहली आंसर की आ जाएगी, तो उसी से ऑलमोस्ट अंदाजा हमें मिल जाएगा कि कितने बच्चों को बुलाया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि हम कुछ पिछला एनालिसिस भी कर रहे हैं, अभी ऐसा क्या है कि कट ऑफ के बारे में कुछ भी बताना हमारे लिए दिक्कत हो सकता है, क्योंकि जितने भी बच्चे एग्जाम दे के आए हैं ऑलमोस्ट सभी ने 200 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। किसी को क्वेश्चंस याद नहीं कि हमने कितना सही किया है, ऑलमोस्ट सभी बोल रहे हैं सर मेरे 140 150 तो हो ही जाने चाहिए, लेकिन ये चीजें तब क्लियर होंगी जब आपके रिस्पॉन्स किए आएंगे। तो मैं सिर्फ ये आपको बताने आ रहा हूं कि आपको अगला टर्म्स क्या है, अगली चीजें कैसे किस स्टेज में मिलेंगी। ठीक है, तो अभी जो है आप लोग जब एग्जाम दे चुके हो, आप लोगों को अंदाजा मिल रहा होगा, धीरे धीरे क्वेश्चंस भी याद आ रहे होंगे और धीरे धीरे आपको लग रहा होगा कि पहले इतना था अब इतना हो रहा है, ऐसे चीजें होती रहती हैं हर एग्जाम के बाद। तो आज से 1 वीक मान के चला जाए, विद इन 1 वीक में मैं कहूँ तो 1 वीक में आपके रिस्पॉन्स की आ जाएगी। ठीक है, रिस्पॉन्स जो सीट है आपकी वो आ जाएगी, रिस्पॉन्स सीट आ जाएगी आपकी, आंसर की आ जाएगी, आप मैच कर लोगे, और जब मैच कर लोगे तो वहां से हमें भी वहीं पे हम आपसे एक फॉर्म होगा वो फिल कराएंगे आपसे, एक तरह से डाटा के लिए कि कितने बच्चे कितना मार्क्स ले रहे हैं। ठीक, एक सर्वे कराएंगे मार्क्स का, तभी हम एग्जैक्ट आपके कट ऑफ पे कहीं जा सकते हैं। पिछले वाल का जो चला है, जो पता चला है, पिछले बार वाले में कुछ कट ऑफ नहीं थी, एक लिस्ट थी। पिछले बार वाले में 10,000 कैंडिडेट सिर्फ एग्जाम दिए थे, इस बार ऑन अप्रोक्स हम बोल सकते हैं कि 50 से 55 हज़ार लोगों ने एग्जाम दिया होगा, 66 हज़ार लोग थे, 10-15-20% लोग नहीं देते हैं, तो 50 से 55 हज़ार लोगों ने एग्जाम दिया होगा, और पिछली बार सिर्फ 10 हज़ार लोगों ने एग्जाम दिया था, और उसमें से पिछली बार का ये था क्राइटेरिया कि आपको सभी में 50% लाना था और ओवरऑल भी 50% लाना था, तो 1861 बच्चे ही सिर्फ इस क्राइटेरिया को पूरा कर पाए थे। ठीक है, तो वो कंडीशन अलग थी, इस बार की कंडीशन कुछ अलग बनेगी, वो रिस्पॉन्स सीट आने के बाद पता चलेगा, क्योंकि नंबर्स ऑफ स्टूडेंट 50 से 55 हज़ार में बोल रहा हूँ कि ये अपियर हुए, 4 शिफ्ट में एग्जाम हुआ, पिछली बार 1 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, तो कई आपके जो है डायमेंशन है जो कट ऑफ को निकालने में मदद करेगी, लेकिन सबसे पहला जो डायमेंशन है वो रिस्पॉन्स सीट का, कि आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं, बच्चे कहाँ पर ज्यादा गिर रहे हैं। ठीक है, तभी जाके हम एग्जैक्ट आपको बता सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा मैं कुछ मोटा मोटा आपको बता दूंगा कि क्या आपको कितने लोग टाइपिंग शुरू कर दें, लेकिन हाँ आपके पास समय नहीं है, जैसा देखा जा रहा है इस अगर ये चुनाव से पहले सब कुछ कराते हैं तो इनके पास सिर्फ जनवरी फरवरी का समय है, और ये सोचेंगे कि इन्हीं के बीच में इनको निपटा लिया जाए, तो ऐसे में आपके टाइपिंग का समय नहीं मिलेगा, प्रैक्टिस आप लोग जारी रखिए। ठीक है, सबसे पहले होगा आपकी रिस्पॉन्स सीट आएगी, उसके बाद से आपके जो है संशोधित आंसर की आएगा, उसके बाद से संशोधित आंसर की के बाद से जैसे रिजल्ट जो आएगा वो आएगा आपका। ठीक है, रिजल्ट आएगा, जैसे पिछली बार रिजल्ट आने में आपका मार्च में आया था, संशोधित जो आपका आंसर की है वो आ गया था कब, 22 तारीख को आपका एग्जाम खत्म हुआ था, 3 जनवरी में रिस्पॉन्स की आ गया था एक हफ्ते के अंदर, लेकिन रिजल्ट महीना लग गया था, 1.5 महीने लग गए थे, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा, रिजल्ट जल्दी आने की संभावना है, तो हो सकता है जैसे ही रिजल्ट आएगा तो सेकंड आपका स्टेज जो होगा वो सेकंड स्टेज, जो काफी बच्चे कंफ्यूज हैं
टाइपिंग के लिए, तो यहां टाइपिंग नहीं है, यहां पे आपका डीवी होगा, ठीक है, डीवी होगा। और फिजिकल के जो आपके है ना वो चीजें होंगी, आपकी हाइट चेक होगी, ठीक है, ये सब चीजें आपका चेक होगा कि हाइट कितनी है आपकी है कि नहीं, डीवी में जो डॉक्यूमेंट आपसे मांगे गए हैं वो आप फुलफिल कर रहे हो कि नहीं। उसके बाद से डीवी के बाद जो थर्ड स्टेज होगा वो टाइपिंग होगा। जब सभी की डीवी हो जाएगी तो टाइपिंग की डेट आपकी निर्धारित की जाएगी। टाइपिंग और स्टेनो एक साथ होगा, टाइपिंग और स्टेनो एक साथ होगा। उसके बाद से फोर्थ जो स्टेज होगा उसमें आपका फाइनल कट ऑफ बनेगा, और वो फाइनल कट ऑफ जो होगा वो कह सकते हैं कि ग्रुप वाइज कट ऑफ बनेगा। यहां पे क्या बनेगा? ग्रुप वाइज कट ऑफ बनेगा, मतलब एसआई की कट ऑफ अलग बनेगी, ठीक है, एएसआई क्लर्क की कट ऑफ अलग बनेगी और एएसआई अकाउंटेंट की कट ऑफ अलग बनेगी, ठीक है। शुरुआत में मुश्किल है अलग अलग बनना, शुरुआत में ध्यान रखना अलग अलग सभी के बनना मुश्किल है। वो जनरल एक बच्चों की लिस्ट तैयार हो जाएगी जो आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा। तो अभी मैं ये कहना चाहता हूं कि जितने जिनको ये श्योर हो, ठीक है, श्योर तो अभी मुश्किल से बहुत कम लोग होंगे, जिनको श्योर हो कि आपके क्वेश्चंस, ठीक है, 60% से 70% के बीच में हैं, ये कोई मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं भाई साहब, आप लोग जैसा बोल रहे हो उसी के अकॉर्डिंग। सर पेपर बहुत आसान आया था, मैंने 200 में 200 किया, ऑलमोस्ट मेरे 170 सही होंगे, 150 सही होंगे, तो मैं वही बोल रहा हूं। अगर आपके 60% से 70% के बीच में है, अब ऐसा नहीं है कि इसमें प्लस माइनस कुछ भी रख सकते हो, 60 से थोड़ा कम भी हो सकता है, मैं एग्जैक्ट नहीं कह सकता हूं, लेकिन इतने लोग वाले एटलीस्ट आप लोग टाइपिंग जारी रखो, एटलीस्ट आप लोग क्या करो टाइपिंग जारी रखो। लेकिन ये फाइनल कट ऑफ ऐसा कुछ नहीं है, जिस दिन रिस्पॉन्स की आएगी उस दिन मैं एग्जैक्ट बता सकता हूँ या ऑन अप्रोक्स बता सकता हूँ, एग्जैक्ट तो यहाँ ब्रह्मा नहीं हूं मैं, ठीक है, ऑन अप्रोक्स बता सकता हूँ। लेकिन अभी मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपके 60% हैं, चाहे उससे कम भी हैं, 55 से 60 में भी हो, तभी भी यार टाइपिंग जारी रखो। हो सकता है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट जो छटते हैं ना वो टाइपिंग में ज्यादा छटते हैं। लास्ट का सिलेक्शन में बताऊं, 700 कुछ सीटें थी पुरुष और महिलाओं को मिलाकर, महिलाएं 13 सेलेक्ट हुई थी और पुरुष 171 सेलेक्ट हुए थे, ठीक है, 1800 लोग, 1861 लोग महिलाएं, 1861 पुरुष सेलेक्ट हुए थे रिटन एग्जाम के बाद, लेकिन सब टाइपिंग से बाहर हो गए, सिर्फ 171 लोग सेलेक्ट हुए थे। ये आप समझ सकते हैं, डीवी और टाइपिंग से बाहर हो गए थे लोग। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है, टाइपिंग आप आज ही से स्टार्ट कर लीजिए। बाकी जो भी आपके प्रश्न हैं एएसआई से रिलेटेड, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालिए, हम पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे कि आपके समस्याओं का समाधान किया जाए। लेकिन अभी आप अपना माइंड फ्री रखिए, आपके जितने भी बन रहे हो बस आप टाइपिंग करिए, मैं यही कहने आया हूँ। टाइपिंग के लिए हो सकता है अगर कम समय मिले तो आपकी प्रैक्टिस बनी रहे, आप ये ना सोचो कि नहीं अभी कटअप आ जाए तब मैं टाइपिंग स्टार्ट करूंगा, कि नहीं, आप मान के चलिए कि हमारा होना है और आप टाइपिंग को जारी रखिए। बाकी रिस्पॉन्स की आने के बाद आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि आप किधर जाना चाहते हैं, आपका होगा या नहीं होगा, उसके लिए हम रिस्पॉन्स की का वेट करेंगे। जैसे वो आ जाता है तो हम एक एनालिसिस निकालेंगे और श्योर एंड सर्टेन एक कट ऑफ बताएंगे। तो जो भी आपके प्रश्न हो आप जरूर कमेंट करिएगा। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।